नकल माफिया और सॉल्वर गैंग के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तैयारी में योगी सरकार है। भर्ती परीक्षा में नकल रोकथाम संबंधी नया कानून बनाने पर विचार हो रहा है और पेपर लीक सॉल्वर गैंग पर लगाम लगाने की कवायद है। राज्य विधि आयोग नया कानून का मसौदा तैयार कर रहा है। नए कानून में दोषियों को 14 साल और 25 लाख के जुर्माने का प्रावधान है। परीक्षार्थी को नकल कराते पाए जाने पर 7 साल की सजा के साथ 5 लाख के जुर्माने का प्रावधान रखा जाएगा। तो बड़ी खबर है, जिस तरीके से नकल माफिया अपनी हरकतों अंजाम देते हैं, सॉल्वर गैंग खेल करता है, अब इन पर कड़ी कार्रवाई की तैयारी में योगी सरकार है। भर्ती परीक्षा में नकल रोकथाम संबंधी नया कानून बनाने पर विचार हो रहा है। पेपर लीक और सॉल्वर गैंग पर लगाम लगाने के लिए राज्य विधि आयोग नए कानून का मसौदा तैयार कर रहा है। और बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओपी राजभर के बेटे की शादी की बधाई दी है। 11 जून को होने वाली शादी के लिए वरवधु को बधाई दी है। ओपी राजभर ने बेटे की शादी में आने के लिए पीएम को निमंत्रण पत्र भेजा था और पीएम मोदी ने पत्र में लिखा कि 11 जून को होने वाली शादी के लिए वरवधु को बधाई। अरुण और निकिता के विवाह पर निमंत्रण पाकर खुशी हुई। परिवार की खुशी में शामिल करने के लिए धन्यवाद। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पत्र लिखा है ओपी राजभर को और उनके निमंत्रण पर उन्होंने आभार जताया है और ये भी आभार जताया है कि आपके परिवार में की खुशियों में शामिल होकर मुझे अच्छा लग रहा है। तो 11 जून को अरुण राजभर की शादी है। ओपी राजभर के बेटे हैं वो और शादी में आने के लिए पीएम को उन्होंने निमंत्रण पत्र भेजा था। और बात करते हैं गोंडा की, जहां पर आज टाउन हॉल में भाजपा की ओर से आयोजित संयुक्त मोर्चा सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मौजूद रहे। वहीं पूर्व कुश्ती संघ के अध्यक्ष और कैसरगंज बीजेपी सांसद और ब्रजभूषण शरण सिंह शामिल हुए। इस दौरान मंच से बोलते हुए ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि देवीपाटन मंडल में भाजपा की ही जीत होगी। अध्यक्ष जी को पूरे मंडल की तरफ से हम लोग आश्वस्त करना चाहते हैं कि आपके नेतृत्व में झंडा देवीपाटन मंडल का बुलंद रहेगा। बोलो भारत माता की जय। लुधियाना में एटीएम में कैश भरने वाली वैन चोरी हो गई। लुधियाना के राजगुरु नगर में कैश वैन चोरी हुई। कैश वैन चोरी कर फरार हो गए लुटेरे। कैश वैन में करीब 7 करोड़ रुपए होने की खबर है। तो बड़ी सनसनीखेज वारदात हुई है। लुधियाना से ये खबर आई है जहां पर कैश वैन ही चोरी हो गई और बताया जा रहा है कि उसमें 7 करोड़ रुपए रखे हुए थे। लुधियाना के राजगुरु नगर में कैश वैन चोरी हो गई और कैश वैन चोरी करके लुटेरे फरार हो गए। कैश वैन में करीब 7 करोड़ रुपए होने की खबर है। तो अपने आप में ये बड़ा हैरान करने वाला मामला है। एटीएम को उखाड़ने की, एटीएम को अपने साथ ले जाने की, एटीएम को तोड़ने की खबरें तो आती रहती थी, बैंक में लूट की खबरें भी आती हैं, लेकिन ये हैरान करने वाला और अलग मामला है। लुधियाना में एटीएम जो कैश वैन है वही चोरी हो गई। लुधियाना के राजगुरु नगर में कैश वैन चोरी हुई है और कैश वैन लेकर लुटेरे फरार हो गए। कैश वैन में करीब 7 करोड़ रुपए होने की जानकारी। वही गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने 4 साल के दौरान यूपी से खरीदे 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की विदेशी असलहे कारतूस। एनआईए की पूछताछ में लॉरेंस बिश्नोई ने यूपी से असलहे खरीदने की बात कबूली है। खुर्जा के असलाह तस्कर कुर्बान और उसके रिश्तेदारों से लॉरेंस ने यह हथियार खरीदे। गाजियाबाद के कुख्यात रोहित चौधरी के जरिए असलाह तस्कर कुर्बान से लॉरेंस बिश्नोई मिला था। पटियाला जेल में बंद रहने के दौरान 2017 में लॉरेंस और गाजियाबाद के कुख्यात रोहित चौधरी से मुलाकात हुई। गाजियाबाद के कुख्यात रोहित चौधरी के जरिए असलाह तस्कर कुर्बान से लॉरेंस बिश्नोई मिला था। सिद्धू मूसेवाला की हत्या में इस्तेमाल AK-47 लॉरेंस ने खुर्जा के इमरान से 2021 में खरीदी थी। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।